स्पूकी। आज की वीडियो होने वाली है स्पूकी। आप लोग कितने टाइम से वेट कर रहे थे हमारी लव स्टोरी का, तो हमने सोचा कि वो हॉरर स्टोरी शेयर करने से पहले ये सारी हॉरर स्टोरी शेयर कर लेते हैं। मैडम तो मानेगी ना हॉरर स्टोरी के बिना। एनीवे लव स्टोरी जरूर आएगी। डू टेल मी इन द कमेंट्स कितनी जल्दी आपको हमारी लव स्टोरी देखने की। और आज हम देखने वाले हैं कुछ रियल एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज। मंडे की वीडियोस हम देखने वाले हैं। बेसिकली बहुत मजा आने वाला है। इट्स गोना बी अ स्पूकी वीडियो। तो गाइस ये वीडियोस देखने के बाद रात को आप अकेले नहीं सो पाओगे। सो ही नहीं पाओगे यार, और हर्ष हम भी नहीं सो पाएंगे। Wasting any time, let's get started. Guys, ये जो पहली एनिमेशन हम देखने वाले हैं ये बहुत ज्यादा स्कैरी है। मैंने बचपन में ये मूवी देखी थी एंड मैं सीरियसली कुछ रातों तक सो नहीं पाई थी। आप भी ये स्टोरी सुन के शायद रात को सो ना पाओ। तो प्रेरणा तू ही बता दे इसका नाम क्या है। एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। तो इस लड़की का नाम एनालीज मिशेल था। ओह माय गॉड, तू देख सकता है फोटोज कितनी ज्यादा बुरी हैं। ये रियल फोटोज है। ओह ये लड़की बेड पे बैठी हुई है एंड ये ओनली 16 इयर्स की थी जब इसके साथ ये सब होना स्टार्ट हो गया था। लुक, वो खोई हुई है यार डिनर करते हुए। इसे चिल्ला रही है यार ये। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं हर्ष, मैं नहीं देख पाऊंगी। अभी रात के 1 बज रहे हैं एंड सीरियसली आई एम स्कैर्ड। यार ये एनिमेशन कितनी रियलिस्टिक क्रिएट करी है ना। आई नो, इसकी लाइफ में बहुत कॉमन था ये। ऐसे बेचारी परेशान होती थी, फिट्स आते थे, रात को चलने लग जाती थी, फेंट हो गई। इसको फिट्स पड़ रहे हैं ना। हाँ, उसके सिर कैसे हिल रहा है। उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर पे लेके आए हैं। ये डॉक्टर बेचारा खुद भी परेशान हो रहा है, डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया। साइंस के पास इसका कोई जवाब ही नहीं है यार। तो उसने सिर्फ मेडिसिन दे दी और उसको कुछ समझ नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ क्या उसके साथ। और 4 साल बाद उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। गाइस आप देख सकते हो ये एनिमेशन कितना स्पूकी है, से हिल रही है। प्रेरणा उसको पता है, ऐसा लग रहा है उसपे कुछ शैतानी आत्माओं का साया है और उसे लगता है कि वो हमेशा उसके साथ कोई ना कोई उसके साथ चल रहा है। तो देख सकता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके फ्रेंड्स जो है वो भूत बन चुके हैं। मतलब बेसिकली वो लड़की प्रॉपरली एक शैतान, एक आत्मा के कब्जे में थी। प्रेरणा जिस वे में तू मुझे बताती थी ना तब बिल्कुल डर नहीं लगता था, पर आज एनिमेशन देख के मुझे खुद दोबारा से बहुत डर लग रहा है। सब कुछ रिवैम्प हो गया। उसे डेविल बोल रहा है कि तू पापी है, तुझे सजा मिलेगी। उसकी आंखें देखो। ओ गॉड, पापी है, तुझे सजा मिलेगी, तू नरक में सड़ेगी, नरक में। एनालीज चर्च के अंदर भी नहीं जा पाती थी। मुझे लगा मेरे ऊपर आ रही है। ओ गॉड, ये कितने ज्यादा स्पूकी एनिमेशन क्रिएट करे यार मंडे। तेरे यार तुम दिल दहला रहे हो यार। यार मैं थोड़ा मजाक में ले रहा था बट आई एम स्केयर्ड राइट नाउ। अगर आप भी इस टाइम स्पूक्ड आउट हो तो जस्ट गिव इट अ लाइक फॉर दिस वीडियो। सीरियसली इट्स क्रीपी एज हेल। वो स्नेल्स खाती थी, मतलब नीचे से उठा उठा के कॉकरोचेस एंड ऑल खाती थी। यार वो कैसे स्टेयर्स पे चल के आई। पेरेंट्स बहुत ज्यादा डर गए हर्ष, बेचारे प्रीस्ट के पास गए। फाइनली प्रीस्ट उसके घर आया देखने। यार प्रीस्ट ने मना किया। बहुत डरावनी है यार, मेरे को एक्चुअल में मतलब ऐसा फील हो रहा है कि ये सब कोई हमारे सामने बैठा है और ये हो रहा है। फाइनली प्रीस्ट उसके घर आए तो उन्होंने देखा कि वो अपने आप को कितना हार्म कर रही थी। अलग अलग भाषाओं में उससे बोल रही थी कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ बोल रही थी। उसने प्रीस्ट पे बेड फेंक दिया। यार आई एम श्योर इसके अंदर बहुत ज्यादा गंदी स्पिरिट्स घुस गई होंगी यार। एंड फाइनली प्रीस्ट ने बोला कि इसका एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा। तो यू नो एक्सोर्सिज्म एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है जिसके थ्रू आप एक बॉडी जिसके अंदर आत्माएं उसको फ्री कर सकते हो सारी आत्माओं से। तो प्रीस्ट ने उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म करना स्टार्ट कर दिया। 10 मंथ्स तक उसके अंदर से स्पिरिट्स निकालने का प्रोसेस चलता रहा। कैसे उसके हाथ भी बंद कर दिए, मतलब उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल होगा, क्या सिनेरियो रहा होगा ना यार। कोई सोच नहीं सकता यार। लुक उसके बाल यार, आई जस्ट होप रात को मुझे नींद आ जाए। उसके अंदर 6 स्पिरिट्स थी एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर उसने बिल्कुल खाना वाना छोड़ दिया था। ओह लुक बेचारी का क्या हाल हुआ है। एंड यू नो उसके बाद उसकी डेथ हो गई, वो बेचारी बच भी नहीं पाई। एंड उसके पेरेंट्स और दोनों प्रीस्ट को जेल के अंदर डाल दिया गया था। कुछ सालों बाद जब कोई सबूत नहीं मिला तो उनको रिहा भी कर दिया था। Exactly. आप में से किस किस को एनालीज मिशेल की स्टोरी पता है, डू टेल मी इन द कमेंट्स एंड अभी नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ओके प्रेरणा, नेक्स्ट स्टोरी है हमारी फेवरेट, स्त्री। ओ स्त्री ना आना।
वो स्त्री कलाना। कलाना तो ये कर्नाटका के एक छोटे से शहर में 1984 में हुआ था। घर से सारे लोग गायब होने लग गए थे। सारे लोग नहीं, सिर्फ आदमी गायब। सोच अगर तू वहां होता तो मैं भी गायब हो जाता। 100 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। यहाँ दिल्ली में है ना, तेरे को मैं होने नहीं दूंगी। एनीवे लेट्स सी क्या होता है। तो एक अंकल घर लौट रहे हैं ऐसा लग रहा है। कन्नड़ में लिखा हुआ है नालेबा कलाना। आई थिंक ये किसी पुजारी से बात कर रहा है और पूछ रहा है कि नालेबा कलाना क्यों लिखा है इस पे। तो वेंकट को प्रीस्ट ने बताया कि ये ऐसे एक आंटी घूम रही है, लड़के उठा रही है। ओ भाई ओ! ये घूम रही है, उड़ रही है। ये तो भाई उड़ नहीं रही है, तो कुछ अलग करतब कर रही है, एक्रोबैट कर रही है और पेट पे चढ़ के। भाई वो लेडी पता क्या करती थी, रात को मर्द के नाम बुलाती थी, घर पे जाके नॉक करती तो बुलाती थी, हर्ष बाहर, हर्ष बाहर आओ। और ये देख हर्ष उठ के चला गया। और ये मैं नहीं हूं। एक लाइट आई अलग सी एंड ये खड़ी है यहाँ पे। हेलो वेलकम कर रही है। हेलो लेट्स गो मैन, कम ऑन ब्रो। कितने आराम से चल के जा रहे हैं उसके साथ। बेटा उसे वश में किया हुआ है अपने, वशीकरण। इसीलिए देख लेडीज ने अपने नाले वाला गाना शुरू कर दिया ताकि उनके हस्बैंड्स को लेडी लेके ना जाए। किसी को दुश्मनी हो मतलब अपने पति से गुंडक निकाल लियो, नालेबा मत लिखो, आलेबा लिख दो। आ जा रे चुड़ैल, आ जा मेरे पति को ले जा। अगर यहाँ हो रहा होता ना दिल्ली में तो प्रेरणा ने यही कर ली। हाउ मीन, यहाँ मैं हमारी लव स्टोरी शेयर करने की बातें कर रही हूँ और तू यहाँ हमारी हेट स्टोरी बना रहा है। ये तो मतलब गलत हो रहा है यार। एंड पुजारी और ये वेंकट जी अलग अलग चले गए। तो वेंकट फाइनली अपने स्कूटर पे जा रहा था और उसका स्कूटर रुक गया। अभी मिलने वाला है वो स्त्री से। अभी इसको स्त्री मिलेगी। सब लोग अपने घरों में है, सब बंद है। उसको बेचारे को छन 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 सुनाई दे रही है और उसको बहुत ही प्यार से किसी ने बुलाया। ए वेंकट देखना, वेंकट वेंकट ने स्कूटर के शीशे में देखा, उड़ती हुई चुड़ैल आई है। ओ भाई स्पीड देख उसकी, वेंकट वेंकट बचाओ। वेंकट तेरी स्कूटर रह गई। वेंकट की हालत खराब हो चुकी है हर्ष। देख उसके आईब्रोज कैसे हिल रही है, उसको कोई बुला रहा है बाहर। एंड फाइनली आई थिंक वेंकट को अब सारी आवाजें आनी बंद हो गई हैं एंड वेंकट बाहर जा रहे हैं। गया बाहर जाने का, अभी ये खत्म है। वो वेट कर रही होगी पक्का। बेचारे वेंकट को ले गई। वेंकट तो वही है, वेंकट को क्यों नहीं लेके गई। बड़ी पार्शियल थी यार ये चुड़ैल, पता ही नहीं बेचारे को उसके साथ क्या हुआ। बट हमें भी नहीं पता चलेगा कि वो उसको क्यों छोड़ के चली गई। मुझे खुद नहीं समझ में आया। जानने के लिए देखिए ऐसा वेंकट में क्या था, जानने के लिए देखिए स्त्री द मूवी। आज भी कहते हैं उस शहर के लोगों ने अपने घरों के बाहर ऐसे बोर्ड्स लगाए हैं जिसपे लिखा होता है नालेबा। प्रेरणा चले कर्नाटका देखने, तेरे को ले जाएगी, छोड़ेगी नहीं वो। सब रहने से अच्छा वहीं चला जा, करवाली बेइज्जती। मैं तेरे को इतना परेशान करती हूँ, मतलब तू क्या इम्प्रेशन दे रहा है मेरा। लव स्टोरी कैंसिल हो गई भाई, मैं नहीं सुनाऊंगा। हॉन्टेड अपार्टमेंट, कितना हाई राइज अपार्टमेंट है और ऐसे स्काईज है, मतलब ऐसे क्लाउड्स क्लाउड्स और डर लग रहा है। ओके तो मिस्टर गुप्ता अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं रात को काम से चले गए हैं एंड 26 जुलाई 2015 द स्केरी नाइट, बारिश आनी शुरू हो गई है, बहुत तेज तूफान आया है। मिसेस गुप्ता ने अपने दोनों बच्चों को सुला दिया, कह रही है मुझे थोड़ा अलोन टाइम मिल गया है, अब मैं थोड़ा चिल करती हूँ, नेटफ्लिक्स एंड चिल। रात के 1 बज गए हैं, मुंबई के इस अपार्टमेंट में क्या होने वाला है, एकदम से बॉल आई है। उसको लगा कि उसका थोड़ा, आई थिंक उसको लगा हुआ उसका बेटा ही है। बच्चे मस्ती कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। आंटी की नाइटी कितनी क्यूट है। आंटी को उसके बालकनी में कोई एक अजीब सा बच्चा नजर आया 18 साल का। आंटी का उसको ना समझ नहीं आ रहा कि बच्चा ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, बट मैं होती तो ये सोचती कि बच्चा यहाँ पे है ही क्यों, आया कहाँ से। उसके घर में कुछ अजीब अजीब हरकतें होनी स्टार्ट हो गई हैं। उसको बच्चा कहीं नहीं मिल रहा, एकदम से भाग के किसी रूम में चला गया। ओ डैम, अलमारी के पीछे क्या कीकली खेल रहा क्या। चारी आंटी को गिरा दिया यार, कह रहे बोलना आंटी आऊं क्या, बैंड में बस जाऊं क्या। एंड फाइनली उसे वो बच्चा दिखा। ओ माय गॉड, बेचारी को लग रहा है उसके बच्चे के साथ आज क्या होने वाला है यार। बेचारी ऐसे हेल्पलेसली पूछ रही है कि आंटी क्या कर रही है, ये कोई आंटी आ गई भाई, दो भूत है घर में। अब वो औरत और उसका बच्चा वहां खड़े हैं बालकनी में और वो सुसाइड कर रहे हैं। वो जंप करेंगे क्या,
आंटी का फेस देख। बिचारी ने अपने बच्चों को वहां से उठाया, गाड़ी में बैठी और निकली पहली फुर्सत में। बड़ी समझदार थी यार। सीरियसली यार, बहुत अच्छा काम किया है। ये नहीं कि वहीं बैठी रही पूरे टाइम हमारे हिंदी सीरियल्स की तरह। ओ तो यहाँ की एक स्टोरी थी, यहाँ की एक सच्ची स्टोरी थी। एक औरत और उसका बच्चा 25th फ्लोर से कूद के मर गए थे और वो मेंटली स्टेबल भी नहीं थे। इसीलिए कहते हैं कि जब आप घर ले रहे होते हो ना, तो पूरी तरह से पहले छानबीन कर लो। वो फ्लैट आज तक खाली पड़ा है, अब उसके अंदर कोई नहीं जाता। देखना हाई राइज बिल्डिंग है, वहाँ कुछ कुछ ऐसा होता है। पता नहीं क्यों होता है यार। ये सारी हॉरर स्टोरीज देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कोई स्पिरिट तुझे पजेस ना कर ले। नहीं, मुझे क्यों, तुझे करेगी ना यार। यार मतलब एक ही बात है, शौक तेरा है, प्यार तेरा है चुड़ैलों से, तो तेरे को पजेस करेगी। ये वीडियो देखते तू रहने दे। गाइस नेक्स्ट वीडियो है भांगड़ फोर्ट की, इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह। ऐसा माना जाता है कि जब सनसेट होता है उसके बाद आपको भांगड़ फोर्ट नहीं जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रानी पद्मावती जो थी, अरे मतलब रानावती, रानावती, अरे कौन है, अरे मुझे क्या पता, रानीवती, रानीवती, रत्नावती, रानी रत्नावती। हाँ, थी। तो रानी रत्नावती जो थी वो बहुत ही सुंदर हुस्न की परी थी एंड उसके चर्चे दूर दूर तक थे। तो तू देख सकता कितनी सुंदर लग रही है यार। आंखें कैसे बंद कर रही है। सिन्हाई नाम का तांत्रिक था ये, तू देख सकता है कितना अजीब है ये। ओ, प्यार हो गया था उसे देखते ही। ये तांत्रिक ने कुछ पंगा किया। अच्छा बेटा, तो रानी शॉपिंग पे निकली है इत्र खरीदने, परफ्यूम बेसिकली। ओ, ये तांत्रिक कितना गंदा तांत्रिक है, he's a bad तांत्रिक guys। ये उसके परफ्यूम के अंदर कुछ कुछ कर रहा है ताकि उसे वश में कर ले। यार इसने ये सारा कांड किया इसका मतलब। एग्जैक्टली, ये तांत्रिक भाई, तांत्रिकों से दूर रहना चाहिए। कौन है भाई। पर रानी को किसी ने बता दिया कि ऐसे कर रहा तांत्रिक ने। उसने इत्र उठा के बाहर फेंक दिया। जब उसने वो परफ्यूम तोड़ के फेंका तो जिस पत्थर पे उसने वो परफ्यूम फेंका वो पत्थर एकदम रोल रोल होता हुआ गया और तांत्रिक को पड़ूम। यार मतलब वही हुआ ना, जिसने गड्ढा खोदा वही उसमें गिर गया। एग्जैक्टली, उस चट्टान से तांत्रिक की डेथ हो गई गाइस। तांत्रिक ने मरते हुए श्राप दे दिया भांगड़ को कि सारे लोग जो भी यहाँ पे रहेंगे भांगड़ में वो मर जाएंगे। एंड ऐसा माना जाता है कि मुगलों ने कुछ दिनों के बाद भांगड़ पे राज कर लिया, सबको मार दिया, कई हजार लोग मार दिए। एंड उसमें से एक रानी भी थी। एंड वहाँ पे बहुत सारे लोगों की आत्माएं भटकती हैं, इसीलिए तेरे को पता है भानगढ़ में कोई भी सूर्य ढलने के बाद गया ना कभी वापस नहीं आ पाया। यार ऐसा तो नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों की स्टोरी सुनी है कि शाम को हम वहाँ गए, चिल आउट किया और वापस आए, कुछ हुआ नहीं। वहाँ अलाउड ही नहीं है यार, वहाँ बाहरी बोर्ड लगा हुआ है 5 बजे के बाद। पता है कितने सारे यूट्यूब पे एक्सप्लोरर्स हैं, घोस्ट बस्टर्स हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो रियल है या नहीं। कुछ ना कुछ फील हुआ है वहाँ पे जाकर। देख, गार्ड को कुछ पैसे देके दो लड़के अंदर चले गए और उन्हें फील हो रहा है कि जैसे घुटन हो रही है, कुछ तो वियर्ड है यहाँ पे। यार वो तो थोड़ा इसलिए भी होता है ना कि क्लोज है, कोई बंदा नहीं है। तो वैसे भी डर तो लगता ही है। एंड फाइनली कोई कॉल ले रहा है, एक बंदे को कॉल आ गई और उसे कुछ चीखने की आवाज सुनाई दी है। अरे दूसरे बंदे की रिंगटोन भी तो हो सकती है। अरे यार होने को कुछ भी हो सकता है भाई, उसको अपना दोस्त ही नहीं मिल रहा, उसका बंदा गुम गया भाई। छन छन की आवाज आ रही है उसे। यार विक्रम उसके फिरकी ले रहा है, मैं बता रहा हूँ। मुझे भी ऐसा लग रहा है विक्रम उससे मजे ले रहा है। विक्रम पोजेस हो गया है, विक्रम को बुला रहा है बट विक्रम तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। विक्रम बेताल बन गया है। ओह माय गॉड, उल्टी टोपी पहनी हुई विक्रम ने, देख रही है तू, पैर भी उल्टे ही होंगे इसके। भाई विक्रम तो पीछे से आ गया भाई, उसने उसका हाथ छोड़ दिया। अब ये कौन है। ओ डैम, दोनों को भूत दिख गया फाइनली। यार मुझे विक्रम तो बिल्कुल ठीक रहा, अरे इन्हें कुछ हुआ नहीं यार, फॉर्चुनेट थे यार ये दोनों, लकी विक्रम का जुड़वा मिला उन्हें। बट जेन्युइनली माना जाता है कि जो भांगड़ जाता है वो वापस नहीं आता है। मैं ऐसा नहीं। आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट खूनी मंडे। उनकी बहुत ही अमेजिंग ऐसी और एनिमेटेड स्टोरीज देखने के लिए यू मस्ट चेक आउट देयर चैनल। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। Thanks for watching.